ट्रैफिक इसकी देख सकते हैं कि 6 मिलियन से लेके 8 मिलियन तक, 7 मिलियन तक इसकी ट्रैफिक आ रही है। 7 मिलियन, 8 मिलियन तक इसकी ट्रैफिक आ रही है। यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूनाइटेड किंग, ब्रिटानिया, जर्मनी, ये तमाम चीज़ें आप दोस्तों को मिलने वाली हैं इस वेबसाइट से। ये कंट्री, क्योंकि बाहरले मुल्क की कंट्री को हम टारगेट कर रहे हैं ताकि पैसे अच्छे खासे यार कमा सकें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमजेद, आप देख रही हैं टेक टू अमजेद। आज की इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों के साथ ट्रैफिक के रिलेटेड आज एक और न्यू टिप्स देने वाला हूँ, जिसके ज़रिए से आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को इनक्रीज़ कर सकते हैं। आज जो आप दोस्तों के साथ वेबसाइट शेयर करने वाला हूँ, इसका DAPA आप दोस्त देख कर खुद ही हैरान रह जाएंगे। जब इसकी ट्रैफिक देखेंगे तो आपकी सोच काम करना छोड़ देगी, क्योंकि इसकी वेबसाइट पर इतनी ट्रैफिक है कि आपकी सोच काम करना इसलिए छोड़ देगी क्योंकि वो मिलियन के अंदर है। के तो एक आम बात होती है, मिलियन के अंदर आप दोस्तों को ट्रैफिक मिलने वाली है। और कमाल की बात आप दोस्तों को यहां पर यह बता देता हूं कि यहां से आपको डू फॉलो बैक लिंक मिलेगा और नो फॉलो बैक लिंक भी मिलेगा। सो कैसे किस तरह से मिलता है वो तमाम चीजें बताऊंगा, लेकिन आप दोस्तों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल पर आप दोस्त नहीं हैं तो चैनल को अपने सब्सक्राइब करना है, साथ में बेलकन पर लाजमी प्रेस करना है ताकि हर न्यू वाली वीडियो की अपडेट आप दोस्तों तक, आप भाइयों तक आ सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आप दोस्तों को तमाम चीज़ें डिटेल के साथ बताते हैं कैसे किस तरह से अकाउंट बनाना है और वहां से हम कैसे ट्रैफिक लेके अपनी वेबसाइट पर आ सकते हैं। सबसे पहले इस वेबसाइट के अंदर आते हैं। इस वेबसाइट के रिलेटेड आप दोस्तों को यहां से अगर मैं इसकी ट्रैफिक वगैरह ये तमाम चीज़ें दिखा लूँ ताकि आप दोस्तों को ट्रस्ट भी हो सके, और यहाँ से इसका DAPA भी आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। यहाँ से इसका DAPA देख सकते हैं कि DA इसका 90 मतलब कि 90 इसका DA और PA इसका 70 है। स्पैम स्कोर 1 है। एज इसको 20 साल हो चुके हैं इसकी एज को। एलेक्सा की रैंकिंग भी आप दोस्त देख सकते हैं। तो ट्रस्टेड वेबसाइट है, इस पर काम करना हमारा बनता है। फिर भी आप दोस्तों को यकीन नहीं आ रहा तो सिंपल से मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं इसका DAPA दोबारा, मैं आप दोस्तों को यहां से चेक करके दिखा देता हूँ ताकि आप दोस्तों को पूरी तरह से इसके बारे में पता चल सके। तो सो इसका लिंक यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं और इसका DAPA हम यहां से चेक करते हैं। तो यहां से दोबारा मैं क्लिक कर देता हूं और इसका हमें अभी पता चल जाएगा कि ये DAPA कितना है। तो यहां से देख सकते हैं कि DAPA 90 70 और स्पैम स्कोर 1, 20 साल इसकी हो चुकी है एज को। तो डोमेन इसकी जो है TC जो है वो इंडिया की है। तो अब इसकी मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ इसका थोड़ा सा जलवा जो आप दोस्तों को बहुत पसंद आने वाला है। इसकी आप दोस्तों को मैं दिखाने वाला हूँ जो है ट्रैफिक इसकी देख सकते हैं कि 6 मिलियन से लेके 8 मिलियन तक, 7 मिलियन तक इसकी ट्रैफिक आ रही है। 7 मिलियन, 8 मिलियन तक इसकी ट्रैफिक आ रही है। और इसके बाउंस रेट भी आप देख सकते हैं, पेज पर व्यू भी देख सकते हैं। मंथली ट्रैफिक इसकी 6.50 मिलियन, मतलब के 5.5 मिलियन इसकी जो है ना, 6.5 मिलियन इसकी मंथली ट्रैफिक है। और 3 से 4 मिनट तक आराम से विजिटर आपकी ट्रैफिक पर आता रहेगा। यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूनाइटेड किंग, ब्रिटानिया, जर्मनी, ये तमाम चीज़ें आप दोस्तों को मिलने वाली हैं इस वेबसाइट से। ये कंट्री, क्योंकि बाहरले मुल्क की कंट्री को हम टारगेट कर रहे हैं ताकि पैसे अच्छे खासे यार कमा सकें, तो इनको आपने फॉलो लाजमी करना है। और ट्रैफिक और यहाँ से सोर्स देखें, सर्चिंग दूसरे नंबर पर है, डायरेक्ट पहले नंबर पर, रेफरल, ये तमाम चीज़ें आप दोस्तों को यहाँ से मिलने वाली हैं। तो ये तो चीज़ें आप दोस्तों को मैंने दिखा दी। अब इसके क्या हम जाओ इसके अंदर पेज बनाएंगे वो इंडेक्स होंगे गूगल के अंदर या नहीं होंगे, वो चीज़ आप दिखाता हूँ आप दोस्तों को। सिंपल से इसको मैं ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद अब आप दोस्तों को मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि क्या ये हमें इंडेक्स कराएगा गूगल के अंदर या नहीं। तो आप यहां से सेम रेशियो की इसकी देख सकते हैं रैंकिंग कितनी है। बिन के अंदर इसके जो इंडेक्स हो चुके हैं आर्टिकल, जो पेज हुए इंडेक्स हुए हैं 4.06 मिलियन इंडेक्स हुए हैं, और गूगल के अंदर जो इंडेक्स हुए हैं 6.78 मिलियन इसके इंडेक्स हो चुके हैं। तो इस पर बैक लिंक हमें बनाना ही पड़ता है। बैक लिंक इसलिए बनाना पड़ता है ताकि हम भी अच्छी खासी यार यहाँ से ट्रैफिक जनरेट कर सकें। तो सिंपल से मैं इसका यहाँ से URL को कॉपी करने वाला हूँ। अभी आप दोस्तों के सामने इसका यहाँ पर मैं एक न्यू क्रिएट अकाउंट करूँगा ताकि आप दोस्तों को पूरी तरह से यहाँ से मैं समझा सकूँ, क्योंकि इसका थोड़े सा हट के इसका अकाउंट क्रिएट किया जाता है, ताकि आप दोस्तों को मैं यही कहूँगा कि वीडियो को आप कंप्लीट देखिए ताकि आप दोस्तों को पूरी तरह से पता चल सके। जब इसके आप डैशबोर्ड पर आएंगे, जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस जगह पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको नजर आएगा साइन अप, इस पर आपने क्लिक कर देना है। और आप दोस्तों को बता देता हूँ कि इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप दोस्तों को एप्लीकेशन अवेलेबल है।
तो अगर आप फेसबुक से कनेक्ट होना चाहते हैं तो फेसबुक पर आपने क्लिक कर देना है, अगर नहीं होना चाहते तो मैं तो यही आप दोस्तों को रिकमेंड करूंगा कि अपनी जीमेल आईडी के ज़रिए ही यहां पर आप लॉग इन हों। तो जो हम जीमेल आईडी के ज़रिए से अकाउंट बनाते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो सिंपल से मैं यहाँ पर जीमेल आईडी से अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपल से यहाँ पर मैंने लिख दिया है टैग टू, और यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ें सेट कर दी, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा साइन अप, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा साइन अप हो जाएगा, और तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रही होंगी, और यहाँ से ये जैसे साइन अप होता है तो अगला स्टेप आप दोस्तों को बताते हैं कि साइन अप होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आने वाला है बहुत ही ज़्यादा आप दोस्तों के लिए कमाल का होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम एक लिंक सेंड करेंगे, जो लिंक हमें प्रोवाइड होगा वो आप दोस्तों को बताएंगे कि लिंक हमें कहाँ पर प्रोवाइड होगा, किस जगह पर हमें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी ये लोडिंग हो रही है, लोडिंग होने के बाद आपके पास ये तमाम के तमाम ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर देख लें ये अनलिमिटेड आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, तो इसको आपने कैंसिल कर देना है। सिंपल से आपने इसको कैंसिल करने के बाद आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। बट उससे पहले आप दोस्तों ने यहाँ पर जाना है अपने जीमेल आईडी के अंदर। जीमेल आईडी के अंदर जाने के बाद आप दोस्तों को वो बताती हैं कि जीमेल आईडी के अंदर आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा। जीमेल आईडी के अंदर आपके पास स्पैम का एक फोल्डर होगा, स्पैम के फोल्डर के अंदर आपने जाना है, या आप दूसरा सेटिंग के ऑप्शन होता है वहाँ पर आपने चले जाना है। तो यहाँ पर मैंने अपने जीमेल आईडी के अंदर आ चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या लिंक आया है कि नहीं आया। तो यहाँ से देख सकते हैं कि लिंक हमारे पास आ चुका है, लिंक पर क्लिक करते हैं। तो जब हम लिंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है एक्सेस यू आर द फिर, मतलब कि ये तमाम चीज़ें कह रहे हैं, और कन्फर्म ईमेल पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो या आपकी जीमेल आईडी का जो अकाउंट होता है वो कन्फर्म हो जाता है, उसे पता चल जाता है कि बाकी यही ओनर है। तो ये चीज़ें क्रिएट करने के बाद आपने अपने अकाउंट पर क्लिक करना है, सेटिंग पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पर जब आप क्लिक करेंगे तो सिंपल से आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहें, अपना नाम चेंज करना चाहें नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बायो नज़र आ रहा है, इस पर आपने अपनी बायो के रिलेटेड कुछ ना कुछ डिटेल वगैरह ये दे देनी है। तो यहाँ पर प्राइवेट प्रोफाइल करना चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, या पब्लिक करना चाहते हैं आप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अपना नाम सेट करें, ये चीज़ें सेट करें। सेट करने के बाद दोबारा आप दोस्तों को यहाँ से मैं दिखाता हूँ कि कैसे किस तरह से मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है। जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने सेट कर लिया है ट्रैवल ट्रैवल 2020, और यहाँ पर मैंने ये जी मेल आई डी आ की, और यहाँ पर मैंने नीचे थोड़ा सा मैं बायो लिख दिया है, बायो आपने अच्छी खासी लिखनी है, और नीचे मैंने एक प्रोफाइल सेट कर दी, और यहाँ पर मैंने सिंपल से सेव पर क्लिक कर दिया। जैसे यहाँ पर सेव पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास सेव हो चुका है। यहाँ से देख सकते हैं ये हमारे पास सेव हो चुका है, यहाँ पर आपका नाम वगैरह ये तमाम चीज़ें आना हो चुकी हैं। तो सिंपल से हम अब आ जाते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर आप दोस्तों को तमाम चीज़ें डिटेल के साथ दिखाते हैं कि कैसे किस तरह से आपने यहाँ पर अपना नाम सेट करना है। तो यहाँ पर आपने सिंपल से इस पेंसिल के आइकन पर आपने क्लिक करना है। इस आइकन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है, इसको आपने क्लिक कर देना है। इस पर आपने इसका नाम लिख देना है, जो भी नाम लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल से नाम लिख देता हूँ, अपकमिंग अपकमिंग लिख देते हैं, अपकमिंग मूवी। अपकमिंग मूवी लिखने के बाद अपकमिंग मूवी फुल डिटेल यहाँ पर लिख देते हैं। सो ये लिखने के बाद आपने सिंपल से छोटी मोटी जो भी आप डिटेल देना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के बारे में, यहाँ पर आपने डिटेल देनी है, और यहाँ पर आपने सेट कर देना है, और यहाँ पर सेव पर आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ पर अपना लिंक देना है, जिस वेबसाइट का लिंक भी देना चाहते हैं। तो सिंपल से मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपल से हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है। इस पर क्लिक करने के बाद इसका यूआरएल को आपने कॉपी करना है। यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर फिलिप यूआरएल नज़र आ रहा है, लिंक नज़र आ रहा है, इस पर आपने लिंक दे देना है, और यहाँ पर आपके पास ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। तो थोड़ी सी आपने यहाँ पर डिटेल दे देनी है, जो भी डिटेल देना चाहती हैं। तो सिंपल से यहाँ पर मेरे पास कुछ टैग वगैरह पड़े हुए हैं, तो इन टैगों को मैं यहाँ पर कॉपी करके वहाँ पर डाल देता हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से सिंपल से यही तरीकाकार कर लेना है, अपनी वेबसाइट के अंदर जाना है, जो भी है आपके पास टैग वगैरह हो वो टैग लेके आपने ये सिंपल से यहाँ पर डाल के फ्लिप पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये चीज़ें आ चुकी हैं। तो यहाँ से मैं आप दोस्तों को आ जाता हूँ अपनी प्रोफाइल के अंदर। जैसे ही प्रोफाइल के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी मूवी आ चुकी है, यहाँ पर डिटेल वगैरह भी इसकी आ चुकी है। अब आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि क्या ये डू फॉलो हैं या नो फॉलो हैं, ये तमाम चीज़ें दिखाते हैं। प्रोफाइल के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं आप दोस्तों को आप डू फॉलो नो फॉलो ये तमाम चीज़ें यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ताकि आप दोस्तों को और भी मज़ीद इसके बारे में पता चल सके। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको पेंसिल का आइकन नज़र होगा, इस पर क्लिक करता हूँ, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा फॉलो और नो फॉलो, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जो फॉलो हैं
डू फॉलो बैक लिंक है उन पर ग्रीन कलर का निशान आ चुका है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें हमारे पास हो चुकी हैं। अगर इसके अंदर और भी मज़ीद जाते हैं तो और भी मज़ीद आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि और कौन कौन से मैंने यहाँ पर आर्टिकल पेस्ट किए हैं, वो भी आप दोस्तों को दिखा देता हूँ ताकि आप दोस्तों को कम्प्लीट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हो सके। तो यहाँ पर मैंने 3 आर्टिकल यहाँ पर सेंड किया और अच्छी खासी मुझे यहाँ पर ट्रैफिक आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो फॉलो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से देख लें यहाँ पर मेरी वेबसाइट का, यहाँ पर भी मेरी वेबसाइट आ रही है और यहाँ पर भी मेरी वेबसाइट के हैं, तो ये फॉलो हो चुके हैं। और अब नो फॉलो कौन सी है, नो फॉलो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। नो फॉलो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर नाम लिखा था, जो हमने वहाँ पर पेस्ट किया था, वो यहाँ पर नो फॉलो आ चुके हैं। तो हमें एक ही आर्टिकल के अंदर दो फॉलो और नो फॉलो दोनों चीज़ें मिल रही हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो, तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करना है। और आप दोस्तों से मैंने जो वादा किया है वो प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ कि आप दोस्तों को इनक्रीज़ करके दिखा रहा हूँ ट्रैफिक वगैरह तमाम चीज़ें। और यहाँ से आप दोस्तों को पता है कि बाहरले मुल्क की कंट्री हमें यहाँ पर आती हैं, तो बाहरले मुल्क की कंट्री से हमें कितनी ट्रैफिक मिलती है वो आप दोस्तों को यहाँ से पता चल चुका होगा, अंदाज़ा भी आप दोस्तों को हो चुका होगा। तो जिस वेबसाइट से आपको खुद एक अंदाज़ा लगा लें कि 6 मिलियन, 7 मिलियन या 8 मिलियन ट्रैफिक आ रही हो, और वो भी दूसरी कंट्री से, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूनाइटेड किंग, बरतानिया, जर्मनी, ऐसी कंट्री से अगर जहाँ से हमें ट्रैफिक मिले तो वहाँ पर हमें अपने लिंक शेयर करने चाहिए और वहाँ से हमें ट्रैफिक लेनी चाहिए। तो अगर आप दोस्तों को ये पसंद आई हो वीडियो, तो वीडियो को आपने लाइक लाजमी कर देना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, खुदा हाफिज़।